एक सवाल है, हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है, हम सबके सब पत्तों के समान मुरझा जाते हैं। ये सब जो वचन है, हमारा जीवन मैले चिथड़ों के समान ना हो, पत्तों के समान मुरझा न जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें और जानकारी और वचन द्वारा मिले। प्रियो, ये जो वाक्य है जो ऐसा में बताया गया है 64:6 में, एक धर्मी जो मनुष्य रहता है वो जाके धर्म के काम करता नहीं, उससे वो हो जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और 16 से पढ़ो सर, 15 से पढ़ो, 15 सर। और लोग दिया जलाकर मेहमान के नीचे नहीं, इसे यहाँ पे लिखा है, और लोग दिया जलाकर मेहमान के नीचे नहीं किधर रखते हैं? दीवट के ऊपर, जो एक 6 फुट रहता है उसके ऊपर रखते हैं। तब उससे सब घर के लोगों को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। अच्छा, दिया चिल्लाते है क्या, देखो मैं लग गया, प्रकाश आ गया, घर में उजाला उजाला उजाला, ऐसे होते हैं क्या? नहीं, जो दिया है वो जब जलता है घर में उजाला आता है। आगे क्या लिखा है सर? उसी प्रकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। अभी देखो यहाँ पे व्याकरण है, अभी तुम सब जो जवान लड़के हो ये पढ़ाई करते हो, चमके और चमकाओ, इसमें क्या फर्क है? इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला चमकाओ, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला चमके, क्या फर्क है? क्या फर्क है? इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला चमके, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला चमकाओ, क्या फर्क रहता है इसमें? फ्यूचर, ओके। और वापस पढ़ो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं वहां पे, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला चमके, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। अगर समझो वहां पे ऐसे लिखा होता, मनुष्य के सामने चमकाओ, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमकाओ। तुम्हारा, आपको मालूम है चमकाओ का मतलब क्या है? कि आप में नहीं है लेकिन आपको चमकाना है, कार्य करना है, कृति में लाना है। और चमके इसका मतलब है वो है तो चमकेगा, वो अगर है तो क्या होगा? और उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य का अपने सामने चमके। आगे बहुत महत्वपूर्ण है, क्या लिखा? कि वे तुम्हारे भले कामों, और तो कि वो तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई, किसकी बड़ाई करे? बोलो, जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। मीन्स हमारे जो भले काम है वो हमारे नहीं है। अगर आप में जो उजियाला है तो वो चमकेगा, अगर वो चमकेगा तो किसकी महिमा होगी, किसकी भलाई होगी, किसकी बढ़ोतरी होगी? आपकी नहीं। परमेश्वर क्यों बोलेंगे प्रेज गॉड ब्रदर फॉर योर लाइफ, आपके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आपके जीवन से जो कार्य हो रहा है उसमें प्रभु की महिमा हो रही है। आप बड़े नहीं है, प्रभु बड़ा है। अगर ये देश नहीं है, ये आपका जीवन नहीं है, तो आपके सब धार्मिक काम जो है ये सब के सब धार्मिक काम मैले चिथड़ों के समान है, सब के सब।